आपकी पूरी पहुंच काफी बड़ी पहुंच है, तो अगर आप भी उस कानून के तहत आपको पावर मिला है और आप भी अगर पावर लेस हैं तो ये कानून तो निरस्त हो गया। तो इंदिरा कह रही है तो क्या हम ऐसे तमाम पीसी मेंबर्स हैं अगर वो इकट्ठा होकर के एक कोई कंडीशन बनाते हैं वो डायल करते हैं हाईकोर्ट में जो है उससे क्या होगा कि अब इसमें जितने मजबूत आप होंगे उतनी मजबूत सब लोग होंगे, तो ये आप लोग अपने लेवल पर भी आपको बात करने की जरूरत है। तो इंदिरा ने कहा कि क्या सीबीसी मेंबर्स जो है आप लोग एक बात करें, आगे रणनीति क्या होगा उस पर तय करें और कोर्ट के रास्ते एक हम दोबारा जो है दस्तक दे सकते हैं कि पूछिए और हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, हम भी आपके साथ हैं सर, बिल्कुल। एज एडवोकेट, एज एक्टिविस्ट, एज जर्नलिस्ट जो भी हम लोग हैं सर खड़ा करते हैं, लेकिन अगुवाई आपकी होगी। जैसा भी आप रास्ता दिखाएंगे हम रास्ते में चलने की कोशिश करके ऊपर रास्ता आपको दिखा रहा है, हम उस रास्ते पे आपके साथ चलेंगे, हम रास्ता दिखाएंगे नहीं। आपने रास्ता दिखा दिया है, अभी ये बात आगे ला कर बिकॉज कोर्ट्स को ये पता नहीं है क्योंकि कोई भी इस बात को सामने नहीं आता। मैं भी बार बार पूछती हूँ बिकॉज हम कई जैसे ओपरा में बहुत सारे हमारे जो पुराने मेंबर क्लाइंट्स हैं वो अभी इसी में खुश हो गए नेहरू प्लेस में, मगर क्या होता है ना एक तरह से ठीक है हम इसी मेंबर्स हो गए हमारे साथ भी इस तरह से बुरा सलूक हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से लाचारी आ जाती है ना, मगर उसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज सिर्फ मेंबरशिप के साथ अगर वेंडर्स को पावर आ गया, ये कोर्ट्स के मन में ये है जो कि जजेस बैठे हुए होते हैं वो सोचते हैं अच्छा आपको पीवीसी बच चुका है तो अब हमारा रोल खत्म हो गया है, अब आप पीवीसी के पास जाएंगे, मगर पीवीसी में तो वही पुरानी बात चल रही है। ये बात इस बात को आगे लाना सामने लाना बहुत ज़रूरी है और आप एक साल दो साल तीन साल लगे, मगर हम लोग ये हो। थैंक यू।